सदर सांसद रवि कृष्ण शुक्ल ने शुक्रवार को जिला अस्पताल पहुंचकर कोवैक्सीन का पहला डोज लिया, जिसके संबंध में सांसद रवि कृष्ण ने बताया कि वैक्सीनेशन से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से ना तो खून जमता है ना ही हार्ट में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अपनी बारी आने पर जिला अस्पताल पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा कर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। सांसद रवि कृष्ण ने लॉकडाउन लगने की अफवाह पर कहा कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन नहीं लगाएगा, अफवाहों से दूर रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि कृष्ण ने कहा, कैसे आप नाम कौन से वाला रहे सर? मैं कल तुम्हें दे दिया था ठीक बात तो यहाँ पे सब लोग मेरे साथ, सब लोग मास्क है ना सबका? सर कोविशील्ड लगवाएं। सीएम साहब कोविशील्ड लिए और पीएम साहब कोवैक्सीन लिए। कोवैक्सीन में 28 दिन बाद जो है सेकंड डोज रहेगा और कोविशील्ड 45 दिन बाद रहेगा। दो सर आप डिसाइड, दोनों लगा दीजिए पीएम सीएम। हैं दोनों हम लोगों के शेर हैं, दोनों एकदम बिल्कुल सर। सर कोविशील्ड के साथ किया जाए, कोविशील्ड कोविशील्ड जी हाँ सीरम बायोटेक है। हाँ नहीं वो 28 दिन बाद 28 अच्छा बढ़िया। तो आप कौन लगाएगा? आप लगाएं ओके ऑल राइट। बोले कुछ कहना चाहती हैं लगाने के पर मैं कुछ खा सुबह 10 बजे खा लूँ। कोई बात नहीं, सवेरे खाएं पानी पिए सुबह से खाए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ रह गए थे आप? हम लगा नहीं रहे थे, फोन निकली शांता जी ट्राई कर देख लीजिए। महादेव पता भी नहीं चला ओके मैम आप हमको वॉच करेंगे। तो मैं सांसद गोरखपुर अपने समस्त एक मिनट हम समस्त अपने देवदूत जनता से रिक्वेस्ट करब और जितने भी मेरे फैंस हैं पूर्वांचल में देश में जहां भी मुझे देख रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कल आपको सब लोगों को टेलीविजन पे आके कहा था कि अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जब वो पिछला लॉकडाउन था तो हम लोगों के पास ना मास्क था, ना हम लोगों के पास वैक्सीन थी, ना दवा थी। ये हम सोचिए अपने देश की बनाई हुई वैक्सीनेशन हमने लगाया, ना हम लोगों के पास वेंटिलेटर्स था, ना बेड्स की तैयारी थी। नाउ हम लोगों के पास कुछ है, सब कुछ है। तो प्रधानमंत्री जी की कल बातें अगर आपको टेलीविजन पे याद होगी, उन्होंने कहा लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। तो अगर कोई अफवाह फैला रहा है, अपोजिशन कुछ कर रहा है, उस बातों में ना आए। हम लोग लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं, प्रिकॉशन लेना है। मैंने अभी आपके सामने पहला डोज लिया है, मास्क लगे रहेगा, प्रिकॉशन लेना है हमको, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मेंटेन सब कुछ करना है, ये करके और सेकेंड डोज देंगे। तो आप सब लोग जैसे जैसे आप लोग पैनिक ना हो, सब बहुत इनफ वैक्सीनेशन है हम लोग के पास, इनफ दवाइयाँ हैं, कहीं डरने डोजेस की कमी नहीं होगी। देश में बन रहे हैं, कहीं विदेश से नहीं आ रहे हैं, तो डोजेस मिलेंगे और हर राज्य को मिलेगा।
एक राज्य को कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबको मिलेगा। तो मैं इस वक्त गोरखपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में आज पहला डोज लगा के आप सबको बोलता हूँ कि कोई डरने की अब ज़रूरत नहीं है, पैनिक होना नहीं है, कहीं भागने उगने की ज़रूरत नहीं कि जहाँ से यहाँ वहाँ, कृपया अपने अपने स्थान पे आप लोग बने। मोबाइल नंबर ना लिखा सब लोग हम किराए मैं समस्त अपन जितना भी मैं आपके माध्यम से लोग मुझे देख रहे हैं कि आज मैं अपने गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में आके मैंने वैक्सीनेशन का ये इंजेक्शन लिया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, ना खून जमा हुआ है, ना हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ना हमको प्यास कोई लगवाए कि ज़रूरी बात। सब लोगों से हमारा रिक्वेस्ट बांटे, कल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पूज्य योगी महाराज जी भी कह रहे हैं, आप लोग सब लोग आएँ, आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवाएं और बारी बारी सब लोग अपने आप को वैक्सीनेशन का ये डोज ज़रूर लें, एंटीबॉडी के लिए आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है।